आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के नीमच जेल में कैदियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और परिजनों से मुलाकात के नाम पर की जाने वाली अवैध वसूली का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। यह खुलासा उस वक्त हुआ जब उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने जेल में पदस्थ प्रहरी को एक महिला से उसके पति से मुलाकात कराने व सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर 3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा के मुताबिक फरियादी मंगला गुर्जर निवासी नीमच का पति कमल चौधरी नीमच जेल में बंद है। बता दें कि फरियादी महिला का पति पटवारी था, जिसे वर्ष 2015 में लोकायुक्त ने ट्रैप किया था और वर्ष 2021 में विशेष न्यायालय नीमच से 4 वर्ष की सजा हुई है, जो वर्तमान में वह नीमच जिला जेल में है। मंगला गुर्जर अपने सजायाफ्ता पति से मिलने जब भी जेल जाती है, तब आरोपी जेल प्रहरी गिरिराज राजपूत महिला से उसके पति से मिलने व जेल में सुविधा देने के लिए रिश्वत की मांग करता था। आवेदिका ने दिनांक 8 मार्च को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी कि गिरिराज गुर्जर उसके पति को जेल में अच्छा खाना देने व अन्य सुविधा के लिए प्रति माह 4,500 रुपए लेता है और एक बार मिलने के लिए 3,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। बताया गया है कि 2 मार्च को 1,700 रुपए आरक्षक पहले ही ले चुका है। महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर ट्रैप प्लान बनाया गया। मंगलवार को दबिश देते हुए लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक राजेंद्र वर्मा और निरीक्षक राजवीर सिंह यादव, आरक्षक संजय पटेल, विशाल रेशमिया, उमेश जाटवा, सुनील परसाई, श्याम शर्मा व महेंद्र जाटवा ने आरोपी जेल पुलिस आरक्षक गिरिराज गुर्जर को नीमच जेल परिसर में आवेदिका से 3,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गौरतलब है कि लोकायुक्त की इस कार्रवाई से यह तो साफ जाहिर होता है कि जेल में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। माना जा रहा है कि जेल में बंद कैदियों के परिजनों से कैदियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने व मुलाकात के नाम पर व्यापक स्तर पर वसूली की जाती है। बहरहाल लोकायुक्त ने आरोपी जेल प्रहरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले को विवेचना में लिया है।